गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का जो हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर है नंबर्स अप टू 9, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, इसमें लिखा है काउंट एंड राइट द नंबर्स फॉर ईच। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है और इसमें आपको काउंट करके बताना है कि जैसे डक है, ये बर्ड्स हैं, ये बी है, ये बटरफ्लाइज हैं, ये फ्लावर हैं। ठीक है, तो ये फॉग हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ आपको ऑब्जेक्ट दी हुई है। ठीक है, तो आपको इनको काउंट करके और नीचे नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहला क्या कह रहा है हमसे, डक। तो आप इसमें काउंट करो, इस पिक्चर में आपको डक कितनी दिखाई दे रही हैं, तो 1 2 3 4 5 कितनी दिखाई दे रही हैं, 5। तो आप यहाँ पे कितनी डक लिखेंगे, 5 डक लिखेंगे। ठीक है, और भी देख लो, कहीं और तो दिखाई नहीं दे रही, कहीं ऐसा ना हो कहीं हमसे मिस्टेक से छूट गई हो। तो इसलिए आप पूरा प्रॉपर देख के इसको काउंट करेंगे। तो हमें कितनी डक दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में, 5। ठीक है, बर्ड्स, अब बर्ड्स को देखते हैं, तो बर्ड्स हमें कितनी दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दिखाई दे रही है, तो 4 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 3 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम नंबर्स का जो यूज़ करते हैं वो काउंट करके किसी भी चीज़ को हम नंबर्स में दिखाते हैं, है ना। जैसे ये कितनी है, अगर मैं ये बोल दूँ, अगर मैं इसको उंगलियों को ऐसे काउंट करना स्टार्ट करूँ, एक ये, तो ये कुछ मतलब हुआ इसका, नहीं। लेकिन हमें इसको कैसे काउंट करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटिंग पढ़ते हैं। आपने UKG में सीखा होगा 1 से लेके 100 तक काउंटिंग, है ना। तो इस तरीके से हम नंबर्स का जो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसमें इस पिक्चर में काउंट करके और लिखेंगे बस। ठीक है, तो जैसे बर्ड्स है, तो हमने देखा यहाँ पे 4 बर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब क्या है, बटरफ्लाइज कितनी है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6, कितनी बटरफ्लाइज मिली हमें, 6 मिली, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर्स को काउंट करो, फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, फ्लावर है। और डक कितनी थी, 5, और बर्ड्स कितनी थी, 4। ठीक है, बी कितनी है, बी मीन्स ये मक्खियाँ हैं, ये कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हैं, 20, 8 हैं। ठीक है, फॉग कितने हैं, फॉग 1 2 3, कितने हैं फॉग पिक्चर में, 3। तो इस तरीके से हमें इस पिक्चर से कुछ इसमें आपको ऑब्जेक्ट दी हुई है, जिससे आपको उसको काउंट करके यहाँ पे शो करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर्स 1 to 9। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, काउंट द नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स एंड राइट हाउ मैनी। ये आपको कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 5 6, ये सब क्या हैं, ये ब्लॉक्स हैं, और आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, नीचे आपको लिखे हुए हैं, ओवर हैंड राइटिंग करने के लिए बोला है इसमें। ठीक है, और इसको काउंट करके लिखना है। तो जैसे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके आपको ओवर हैंड राइटिंग करनी है, 1। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ये कौन सी लाइन है बताइए। तो ये कैसी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। कौन सी है, स्टैंडिंग लाइन। इसी तरीके से आप इसको ये ओवर राइटिंग करेंगे। जैसे 2 है, 2 का ये क्या हो गया, कर्व लाइन, और ये क्या हो गया, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ऐसी 3 का हो गया स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन। ठीक है, फिर 4 में देखिए आप लोग, 1 2 3 4, ऐसे करके ब्लॉक्स को हम गिनेंगे, उसके बाद इसको ओवर राइटिंग करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, अब पूरा प्रॉपर आप ठीक से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 4 में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
आपको ऐसे अगर आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको आपकी लाइंस के बारे में भी पता चलेगा और आपको इसमें ओवर हैंड राइटिंग करनी है जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके बताया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे 7 का 8 का ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको ब्लॉक्स गिन गिन के ऊपर ओवर हैंड राइटिंग करनी है और लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्या कह रहा है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। वो ये किस में कह रहा है, वर्ड्स में लिखने के लिए कह रहा है, अभी नंबर्स में लिखने के लिए नहीं कह रहा है, ये किस में कह रहा है, वर्ड्स में लिखने के लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको काउंट करने के लिए बोला है। ठीक है, जैसे ये है, हमें घोंगा दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, तो 1 2 3 तो हमें ये 3 दिखाई दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग स्पेलिंग्स पढ़ते हैं ओ एन ई 1 T W 2 T H R E E 5 S I X 6 S E P E N 7 E I G H T 8 N I N E 9 T E N 10 E L E V E N 11 T W E L V E 12 इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको वर्ड्स में लिखते हैं हम नंबर्स को। ठीक है, तो ये हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे, 3 ऐसे। अभी पेंसिल हमें कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, वो भी वर्ड्स में लिखेंगे। ये डक कितनी दिखाई दे रही है हमें, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ओ एन ई 1। ठीक है, उसके बाद देखो हमें यहाँ पे फिश दिखाई दे रही है, तो कितनी फिश दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, हमें कितनी फिश दिखाई दे रही है, 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, वो भी हम वर्ड्स में लिखेंगे, SEVEN 7। ठीक है, यहाँ पे हमें बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 T W O 2। ठीक है, ये बैलून्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, FOUR 4। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये काउंट करना है और इनको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग कलेक्शन, इसमें आपको क्या करना है, सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको नंबर दिया गया है, और जो जितनी इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना के दी हुई हैं आपको, ठीक है, और जितना नंबर लिखा है बस आपको उसने जो सर्कल जो करेक्ट होगा उस पर आपको सर्कल लगाना है। जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पेंसिल बना के दी है हमें कितनी, इसमें 8 बना के दी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 5 जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बैलून को भी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 4, और हमें बैलून कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बैलून्स दिए और ऑब्जेक्ट नंबर हमें 4 दिया है, या तो आप एक एक करके भी ऐसे करके भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप एक साथ भी लगा सकते हैं ऐसे 4। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें काउंट करना है और आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रही है इनको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 है, फिश दी हुई है हमें 5, तो आपको 2 फिश के ऊपर सर्कल लगाना है। इसमें देखिए 9 डक दी रखी है और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर में 7, तो आपको कितनी डक्स पे सर्कल करना है, 7 डक्स पे करना है। नेक्स्ट है, आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें बटरफ्लाई दी हुई है और 6 नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें 6 पे हमें सर्कल लगाना है। ठीक है, ऐसी 3 दिया हुआ है, कैंडल दी हुई है 6, तो आपको इसमें 3 पे मतलब 3 कैंडल्स पे सर्कल करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज है, ये मैंने क्या करवाया, एक तो काउंट द राइट द नंबर्स फॉर ईच, ये पिक्चर है, इसमें से ऑब्जेक्ट्स को कुछ छाट छाट के लिखना था, ठीक है, नंबर्स में, और ये जो कुछ नंबर्स मैंने बताया आपको उनको आपको वर्ड्स में लिखना था और नंबर में भी लिखना था, जिसको मैं बोल सकती हूँ ओवर हैंड राइटिंग करनी है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, आपको ये ऑब्जेक्ट काउंट करनी है उसके बाद इनको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन बताया आपको, सर्कल द करेक्ट नंबर, सर्कल करना है जो करेक्ट नंबर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स पे करना है, तो ये सिर्फ 5 1 2 3 4 5, ठीक है, या तो आप ऐसे करके भी कर सकते थे, या तो मैंने यहाँ पे ये सीधा सीधा कर दिया, आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने आज पेज नंबर जो 19 है यहाँ तक कंप्लीट करवाई है, आप लोग आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे 9 तक,
और इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट बना के आपको कल सेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।